सजी सुमित और वाणी। शुरू हुई शादी की सभी रस्में। शादी के बीच श्लोक का शुरू हुआ तमाशा। जी टीवी के सीरियल मीत में एक ही मंडप में हो रही हैं दो दो शादियां। एक तरफ रौनक और सुमित तो दूसरी तरफ वाणी और अभय की शादी। और दोनों जयमाला की रस्म निभाते नजर आ रहे हैं। अभय तो काफी खुश है लेकिन सुमित अपसेट नजर आ रही है। असल में इस रस्म से पहले हुआ एक तमाशा जो किया श्लोक ने। भाई श्लोक नहीं चाहता कि सुमित रौनक से शादी करे क्योंकि उसे पता है कि रौनक एक अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन सुमित रौनक से ही शादी करना चाहती है और वो श्लोक को कहती है कि जिंदगी मेरी तो मेरी मर्जी ही चलेगी। ऐसा कहकर वो बात को टालने की कोशिश करती है लेकिन श्लोक सुमित के पीछे पड़ा हुआ है कि वो रौनक से शादी ना करे। मुझे करनी है शादी, राज भाई को बताकर कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं चाहती हूँ ये रिश्ता मेरी खुशी है और जो कुछ भी होटल में हुआ ना उसे भूल जाऊँ। बिकॉज इट्स माई चॉइस और मैं शादी करने जा रही हूँ। मैं खुश हूँ शादी से, तो प्लीज भूल जाओ होटल में जो कुछ भी हुआ या मैंने गुस्से में जो कुछ भी बोला। प्लीज फॉरगेट। ठीक है तुम्हारा, रौनक जैसे घटिया लड़के से शादी करना चाहती हो, तुम जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। तुम दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ तुम रौनक जैसे घटिया लड़के से शादी कैसे कर सकती हो यार? होते कौन हो तुम? मेरे फैसले पर सवाल खड़े करने वाले होते कौन? कौन होती हूँ मेरी चॉइसेस पर सवाल उठाने वाले? मुझे रौनक से शादी करनी है। तो मैं ऐसे जा रहा भाई, तो ये घटिया बनना होते हो मैं नहीं देख सकता हूँ। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जिस डायमंड की रिंग के साथ ना सोने का पिंजरा। ऐसे में तमाशा इस हद तक बढ़ जाता है कि श्लोक सुमित से नाराज होकर वहाँ से निकल जाता है और फिर शुरू होती है शादी की रस्में। भाई सुमित तो अपने फैसले पर अटल है लेकिन श्लोक ये शादी रुकवाने की कोशिश जरूर करेगा। तो भाई अब देखना होगा कि इस शादी में और कौन कौन से नए ट्विस्ट आते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।